हेलो स्टूडेंट्स लेटेस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज़ इफ़ ईच ऑफ अ डेटा इज इंक्रीज़ बाय फाइव देन अर्थमेटिक मीन देखिए अगर हम ईच वेरिएट ऑफ अ डेटा इंक्रीज कर रहे हैं फाइव देन अर्थमेटिक जो मीन होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा सो देखिए गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है लिख लेते हैं गिबिन इच वेरिएट ऑफ अ डेटा इज इंक्रीज बाय फाइव ठीक है फाइव इंक्रीज हो रहा है नाउ लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन आपको पता होना चाहिए क्या होता है तो अर्थमेटिक मीन रिफर्स टू द एवरेज अमाउंट इन अ गिवन ग्रुप ऑफ डेटा ठीक है तो अगर हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन थमेटिक मीन बिटवीन अगर हम ए और बी की बात करें ठीक है हमने ए और बी को लिया है तो अगर हम ए और बी की बात करें दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू ठीक है ए प्लस बी बाई टू सो देखिये यहां पे अगर सो so, फ ए इंक्रीज अगर हम ए को इंक्रीज कर रहे हैं कितना फाइव एंड बी एज बी को भी इंक्रीज कर रहे हैं ऑल्सो कितना फाइव ठीक है देन जो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा अर्थमेटिक होगा दैट इज ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस फाइव पहले ए था अब कितना हो, हो जाता है ए प्लस फाइव हो जाता है और प्लस बी प्लस फाइव ठीक है और डिवाइड किससे होगा ये डिवाइड बाय टू ठीक है ना अब देखिए ए प्लस बी फाइव प्लस फाइव हमारा कितना हो जाएगा ये टेन हो जाएगा यानी टोटल का अपॉन टू देन ए प्लस बी अपॉन टू हम एक साथ लिख सकते हैं, लेन प्लस टेन बाई टू ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू और प्लस फाइव तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं ए में फाइव का और बी में फाइव का तो हमारा देखिए ओरिजिनल जो हमारा मीन था अर्थमेटिक मीन वो कितना था ए प्लस बी अपॉन टू था देन हमने इंक्रीज कर दिया तो ए प्लस बी अपॉन टू तो रहा ही है ओरिजिनल इतना तो रहेगा रहेगा प्लस क्या हो रहा है फाइव का इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स क्या हुआ अगर हम ए और बी में फाइव का इंक्रीज करेंगे देन क्या होगा जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या हो जाएगा इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज बाय फाइव ठीक है तो देयरफॉर फोर द अर्थमैटिक मीन ऑल्सो इंक्रीज बाय कितना फाइव ना तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द आंसर देखिए जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज बाय फाइव तो फाइनली हम यहां पे लिख लेते हैं हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर So I hope you have understood the question. Thank you.